वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आजाद कश्मीर की आवाम से अपील करते हुए कहा है कि कश्मीर की आवाम का गुस्ताख समझता हूँ। LOC के खिलाफ वर्जी को बहाना बनाकर भारत LOC के पार हमला कर सकता है, आवाम LOC पार ना करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पीर को चीन के 3 रोजा अहम दौरे पर रवाना होंगे, जहाँ वो चीनी हुकाम के साथ CPEC, ML1 और दीगर मामलों के साथ मसला कश्मीर पर भी बात करेंगे। जमात इस्लामी ने मौलाना फजल रहमान के आजादी मार्च का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कराची में सिंध रेंजर्स की खसूसी इख्तियार में 3 माह की तौसी कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध की जानब से कराची में रेंजर्स एहलकारों के खसूसी इख्तियार में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सूबाई हुकूमत की जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इख्तियार की मुद्दत में 4 अक्टूबर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक के लिए तौसी की गई है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मजार कायद पर हाजिरी दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी की कीमत हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, जुर्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। कराची में डेंगू का एक और मरीज जान बहक हो गया, रवा बरस हलाकतों की तादाद 13 हो गई। कराची के इलाके कोरंगी में सिंध फूड अथॉरिटी ने पॉपकॉर्न की फैक्ट्री सील कर दी, फैक्ट्री में खराब तेल से पॉपकॉर्न तैयार किए जा रहे थे। लाहौर के म्यू अस्पताल की लिफ्ट में फंसकर 13 साल का लड़का जाँ बहक हो गया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है मौलाना फजलुर रहमान अपनी डूबती सियासत बचा रहे हैं, मदारिस के तलबा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि कश्मीर लहू लहू है, दुनिया इस जुल्म पर आवाज बुलंद करे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि श्रीलंकन टीम T20 क्रिकेट में अपसेट कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अरिबा अफजल। हेडलाइंस आप जान चुके, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट साहिबान न्यूज़.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।